हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो हम लोग यूपीपीसीएस प्री और मेंस 2023 का में जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो हम लोग कर रहे हैं सामान्य अध्ययन पेपर 5, जिसका पार्ट 1 में लेकर आई हूँ, उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। तो ये जो है, ये हम जो करंट अफेयर उत्तर प्रदेश में आएंगे, ये प्री के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर सब उस टाइप के नहीं रह गए वन लाइनर वाले, अब डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर पूछे जाते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें 3-4 पॉइंट्स दे देते हैं और पूछते हैं इसमें से एक सही है, दो सही है, तीन सही है या चारों सही है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वन लाइनर फैक्ट्स लर्न करके जाएंगे प्री में भी, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है यूपीपीसीएस के पेपर में। अब उन्होंने यूपीएससी का पैटर्न बिल्कुल अपना लिया है और यूपीएससी के पैटर्न के थ्रू ही काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर करेंगे। चाहे हम 3 ही करेंगे, लेकिन इतने अच्छे से करेंगे कि जब आप पेपर में देने जाएंगे तो उसके आगे पीछे का सारा बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा इसमें, किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मतलब एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन कमीशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मतलब यूपी एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा। ये यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टेट परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रदेश के बेसिक माध्यमिक उच्च एवं तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन इस स्वायत्ता आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो आप लोग होप इस क्वेश्चन से परिचित हो गए होंगे, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक मतलब स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 जारी किया गया है। तो अभी जो 12 अप्रैल को ही ये जारी हुआ है, तो इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट पे कौन आया। ये पर्टिकुलर यूपी से रिलेटेड न्यूज नहीं है, बट ये ओवरऑल इसमें यूपी कहाँ पे यहाँ पे सिचुएटेड है वो हमें जानना ज्यादा जरूरी है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट इस साल 12 अप्रैल को नई दिल्ली में राज्यों और राज्य उपयोगिताओं की आरपीएम बैठक के दौरान जारी की गई। अभी इसी साल की बात है, 23 की। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक ने SEEI इंडेक्स विकसित किया है, मतलब कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स विकसित किया है। अब इसमें फ्रंट रनर और अचीवर श्रेणियां हैं, जिसमें कि SEEI 2021 ने राज्यों को दो समूह, एक फ्रंट रनर है और एक अचीवर समूह में वर्गीकृत किया है। फ्रंट रनर श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर वाले राज्य हैं, जबकि अचीवर में 50 से 60 अंक के बीच के स्कोर वाले राज्य हैं। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि यूपी इनमें से कहीं भी रिलाय नहीं करता है, यहाँ पे स्टैंड नहीं करता है यूपी। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि फ्रंट रनर अचीवर श्रेणियों में यूपी नहीं है। 5 राज्य जो फ्रंट रनर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में है, जबकि 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर श्रेणी में है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ अपने संबंधित राज्य समूहों में शीर्ष प्रदर्शित करने वाले राज्य हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पिछले सूचकांक के बाद से सबसे अधिक सुधार दिखाया है। चलिए हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या होता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के समग्र ढांचे के भीतर स्वविनियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देने के साथ नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहायता करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंटर है, आपको अपने शब्दों में इसको डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारू राज्य क्या है। बीमारू राज्य के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो चलिए इसके बारे में, आइए चर्चा में क्यों है इसके बारे में पढ़ते हैं।
बीमारू एक संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है बी आई से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से यूपी। बीमारू राज्य इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्योंकि इसमें यूपी भी इंक्लूड है। यह संक्षिप्त नाम 1980 के दशक के एक अर्थशास्त्री आशीष बोस द्वारा बनाया गया था। अर्थशास्त्री ने संक्षिप्त नाम इस तथ्य पर जोर देने के लिए तैयार किया कि ये इन चार राज्यों की खराब स्थिति भारत की समग्र जीडीपी को प्रभावित कर रही है। यूपी में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान पीएम मोदी ने इस शब्द को याद किया। बीमारू राज्य किसने बनाया अभी हमने पढ़ा, लेकिन इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। ये बनाया था आशीष बोस ने। वह एक अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकी विशेषज्ञ थे। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ वे व्यक्ति होते हैं जो जनसंख्या वृद्धि या कमी के कारण अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इन चार राज्यों में जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बोस के अनुसार ये चार राज्य मुख्य रूप से जनसंख्या विस्फोट के कारण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के मामले में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब ये मामला क्यों चर्चा में आया इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन राज्यों में कुल जो प्रजनन दर है वो 2.1 है। कुल प्रजनन दर एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में पैदा किए जाने वाले बच्चों की संख्या है। परिवार नियोजन दक्षिण राज्यों की तरह कुशल नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये बीमारू राज्य की चर्चा हुई यहाँ पर। जनसंख्या विस्फोट में बीमारू राज्य की क्या भूमिका होती है, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये बनाया है ये आपको पेपर में मेंस में लिखने में बहुत ही काम आएगा और प्री के हिसाब से भी आप एक एक पॉइंट इसमें जान सकते हैं और ऑप्शनल पे ध्यान दे के उसको टिक मार्क लगा सकते हैं। भारत बहुत जल्द जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत को सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने में इन चार राज्यों की अहम भूमिका है। वे कुल भारतीय आबादी का 41% हिस्सा है। 2026 तक वे 43.5% जनसंख्या के लिए जिम्मेदार होंगे। तो होप आपको बीमारू राज्य के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश को 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री आने वाला है तो उसके लिए आप जरूर पढ़िएगा इसे। पीएम मोदी ने हाल ही में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ। ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। इन्वेस्ट यूपी 2.0 इस शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। साथ ही ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 18,605 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों को 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला। ये निवेश राज्यों में 92.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। निवेश मुख्य रूप से रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, आवास, इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा में है। अब यूके का उत्तर प्रदेश में निवेश। इस शिखर सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि यूके एयरोस्पेस, रक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश करेगा। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूपी ने अच्छा निवेश कैसे आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश कई निवेश आकर्षक नीतियां शुरू कर रहा है। इसके अलावा ये डेटा केंद्रों, एयरस्पेस और बिजली के वाहनों, पर्यटन, भंडारण आदि में निवेश को बढ़ावा दे रहा है। राज्य ने एक चिकित्सा उपकरण पार्क शुरू किया है। यमुना एक्सप्रेसवे में कई लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। बरेली में एक मेगा फूड पार्क, गोरखपुर में एक प्लास्टिक पार्क की योजना और इस तरह की कई अन्य पहले राज्य में निवेश बढ़ा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिखर सम्मेलन का समापन किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्री में जरूर आते हैं कि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, समापन किसने किया, क्या लॉन्च हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। अब यहाँ क्षेत्रवार निवेश की बात करेंगे तो राज्य के पश्चिम में अधिकतम निवेश है। प्राप्त निवेश का 45% इसी तरफ था। जिलावार नोएडा को सबसे अधिक निवेश प्राप्त हुआ और उसके बाद आगरा का स्थान रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आज हमने चार क्वेश्चन किए और ये चार क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। ऐसे ही डेली हम चार से पांच क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्री और मेंस दोनों में आने की बहुत बहुत संभावना है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या नया चाहिए, क्या नया देखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।